नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद महतो, मध्य विद्यालय बड़का का नाम पथरातु टू। बच्चे आज क्लास सिक्स के हम लोग ज्यामिति सीखेंगे। ज्योति इसको जानने के लिए आपको चार चीजें जाननी चाहिए, बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किनारा। तो आइए हम लोग एक एक करके देखें कि क्या है रेखा। तो रेखा को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल की मदद से एक रेखा बनाते हैं। एक रेखा हम लोग बनाए, ये रेखा। अब बोलिए रेखा कैसे इसको बोलते हैं? तो ये स्केल आप लिए सीधा एक लाइन खींचे और कितना आगे कितना पीछे जाता है इसकी कोई अंक नहीं है, इसलिए इसका एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं हिंदी में अंत बिंदु नहीं। क्या नहीं है? अंत बिंदु नहीं, एंड पॉइंट नहीं। अब दूसरा में चलते हैं रेखा। तो इस रेखा को हम दो भाग में बांट देते हैं, नाम जैसा है रेखा खंड, यानी इस रेखा को खंडित कर देंगे। तो इस यहाँ ए, यहाँ बी, और इसको जीव करते हम जितना है एक बार फिर ले। तो मान लीजिए इसी का है यहाँ ए है यहाँ। अब देखिए इसमें एरो नहीं है, ये जो देख रहे हैं तीर का चिन्ह ये नहीं है, क्योंकि इसका बीच से उठाए तो ये इसका अंत बिंदु है, यानी टू एंड्स पॉइंट है। कितना है? टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स ए एंड, यानी कोई भी आपका रेखाखंड होगा उसका दो अंत बिंदु होगा, और ये दोनों अंत बिंदु को की सहायता से आप नाप सकते हैं स्केल से, इसकी लंबाई कितनी है। हम स्केल से नापें ये 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये रेखाखंड जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। रेखा की कोई लंबाई निश्चित नहीं है, अनंत आगे और गुणनफल बढ़ती है। तीसरा है किरण। क्या है? तो किरण हम लोग जैसा कि यहां देखे हैं, ये तो मेरे पास रेखाएं थी, ये जो रेखाएं थी, इस रेखा को हमने क्या किया है, अगर ये बीच का पोर्शन को मिटा है तो मिटाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा था ए, यहाँ पर क्या बचा था बी, और ये दो हमारे पास किरणें अर्थात किरण में क्या होती है, एक बिंदु हम लोग जानते हैं जिसको प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं ए, और इस किरण का एक बिंदु हुआ जिसको हम लोग जानते हैं, दूसरे बिंदु नहीं जानते हैं। ये भी एक किरण है जिसकी एक बिंदु को हम लोग जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते। इस तरह से हमने देखा रेखा, रेखाखंड, किरण और बिंदु। एक बार फिर बताते हैं बिंदु क्या है। बिंदु आपका सिंपली हम लोग इस तरह से जो डॉटेड लाइन डालते हैं जिसको डॉट भी लंबे भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में किरण बिंदु जो होता है, कौन जो होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है कि आपको नग्न आंख से दिखे, इसका आयाम नहीं होता है। फिर भी कॉपी में तो दिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा छोटा से छोटा दाग लगाते हैं। तो इस तरह से आप रेखा, रेखाखंड, किरण और बिंदु देखें। अब थोड़ा सा हम लोग अभ्यास कर लेते हैं कि आप लोग सीखे या नहीं सीखे। तो इसके लिए छोटी सी हम अभ्यास करते हैं और आपको पहचानने के लिए बोलते हैं कि आप पहचान पाए या नहीं पहचान पाए।
अब हम एक संरचना कोई भी अब आपको बताना है अब आपको बताना है कि इसमें से कौन रेखा है कौन किरण है और कौन रेखा खंड है। हम थोड़ा सा गौर से देखें आपको बताइए। सबसे पहले ये जो हम लाइन खींचे हैं ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको ये क्या है तो आप बोलेंगे ये देखिए यहाँ भी तीर का चिन्ह है यहाँ भी तीर का चिन्ह है इसलिए ये आपका लाइन क्या है रेखा है। अब देखिए इस पर एक ही तीर दिखाई पड़ रहा है यानी एक अंत बिंदु हमको पता है इसको प्रारंभिक बिंदु बोल सकते हैं तो ये आपका क्या हो गया री हो गया ये रो भी बोलते हैं और कभी कभी बोलते हैं यानी किरण हो गया। और इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें देखिए इसकी लंबाई हम लोग इसे कर सकते हैं नाप के देखते हैं इतना है ये तो ये मेरा आता है 10 सेंटीमीटर। इस तरह से ये जो आपका देखे ये आपका क्या हुआ रेखाखंड ये हुआ लाइन और ये हुआ धन्यवाद बच्चे घर में इस तरह से बहुत सारा आप चित्र बनाएंगे और रेखा रेखाखंड किरण को समझेंगे। धन्यवाद।